तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि बज गए हैं 10:30 और ये रही हमारी बेबी, ऑर्डर पे निकल रही है और मैं जा रहा हूँ छोड़ने, और मुझे थोड़ा बहुत उधर काम भी है तो मेरा काम भी हो जाएगा। आप जा रहे हो कैंटीन में ना? हाँ, मतलब मैं जा रहा हूँ कैंटीन में सामान वगैरह सब खरीदने, क्योंकि घर का सामान कुछ भी नहीं है। तेल वगैरह, नाने का साबुन, टूथपेस्ट, वो सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैं और दिव्या जाएंगे कैंटीन के अंदर। वहाँ पे तो वीडियो अलाउड नहीं है। नहीं, वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, तो जो मतलब खाली, मतलब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए। फिर जो सामान लाऊंगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या लाया हूँ मैं सामान, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। नेवी की कैंटीन है, एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स की कैंटीन है, इसलिए फोटो और वीडियो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आया था यहाँ पे कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए। मैंने सारा सामान पूरा ले लिया है। ये रहा वीडियो मेरे साथ। तो चलिए अभी जाता हूँ घर पे, क्योंकि सामान सारा मैंने ले लिया है, जितना भी घर का सामान था सब आ गया। तेल वगैरह, साबुन, कोलगेट, टूथपेस्ट, मतलब सारा कुछ ले लिया है मैंने। तो अभी चलता हूँ घर, क्योंकि घर जाऊँगा तो मैडम तो नहीं है, वो गई है ऑर्डर पे। तो जब मैडम आएंगे तब वापस से, मतलब मैडम से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं घर पे आ गया और मेरी बेबी भी आ गई, क्योंकि कैमरा मेरी बेबी के हाथ में है और मैं ये सब दिखा रहा हूँ। देखिए, इतना सारा सामान मैं कैंटीन में से लेके आया हूँ। रखो भाई, रखो। ये परफ्यूम भी लेके आए, क्योंकि ये परफ्यूम हमारा बस में रह गया था ना। हाँ, ये भाई साहब ने रख दिया बस में। बस में बैग ही, बैग में से निकल गया होगा शायद। वेनिस लाइफ बॉय, मस्त स्मेल है, बहुत अच्छा है ना दिव्या, ये इसका स्मेल बहुत अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा सामान महीने का आ गया है, ये सब एयरफोर्स कैंटीन में से लेके आए है, गवर्नमेंट कैंटीन, क्योंकि पप्पा का कार्ड रहता है गवर्नमेंट गेट। तो ये सब हमें डिस्काउंट में मिलता है ना साम, डिस्काउंट। तो बहुत डिस्काउंट मिलता है ये सब सामान में। कितना और था, कुछ माल था? बहुत था। पर आपका चीज नहीं मिला। ठीक है, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो लेके आएंगे। कुछ मसाला वगैरह नहीं लाया आप? गरम मसाला, अभी इतना सारा गरम मसाला तो फ्रिज में पड़ा है। तो चलिए ये सब अभी रख देते हैं, मम्मी का निकाल दो। मम्मी का सब सारा मम्मी का ही है, अपना सिर्फ ये 1, 2, 3, 4। चलो ये सब अभी गिनती करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा हमारा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सामान, ये हमारा है और ये मम्मी का है। तो अभी मम्मी के घर पे जाना पड़ेगा देने के लिए। देने को अपना रेड वाला नहीं मिला, सफोला ऑयल वो नहीं था, राइस ब्रेन नहीं था। अच्छा, तो ये तो दोनों मम्मी के घर पे जाएगा, ये मम्मी नहीं। घी नहीं मिला आपको? घी बहुत था। अरे तो एक फोन ले लिया। अरे आप फोन उठाते नहीं? अरे मैं काम में बिजी थी। कितना फोन किया मैंने, कितना फोन, बाप रे। पर कैसे, मेरे हाथ में सब क्रीम वगैरह रहते है, तो मैं कैसे आपका फोन उठाऊं? मैं फोन ही नहीं उठाया, फिर मैं बोला जाने रहा, फोन उठा ही नहीं रहे। स्वीटू के लिए कुछ लाया है? कुछ लाया, कैडबरी नहीं लाए? क्या लेके आया? बिस्किट लाया, यूनिबिक्स का। अच्छा, तो वहाँ पे देखिए सिडड़ी, आपके लिए कुछ नए लेके आए। आपको क्या खाना है? बिस्किट खाना है? देखिए सिडड़ी। उसके आंखों में ना, अभी वो आंख में बहुत व्हाइट व्हाइट हो गया, मतलब मोतिया हो गया, मोतिया बिंदु उसको पक गया। तो देखिए अभी डॉक्टर गई है बारगाम। नहीं, पर वो डॉक्टर बोली थी कि अभी कुछ करा के मतलब नहीं है। वो 70-80 हजार रुपया ले लेंगे ऑपरेशन का, दोनों हाथ का। पर ठीक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों आंख में मोती बिंद आ गया है। देखिए तो एक एक का 40-40 हजार रुपया बोले तो ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन कराने में कुछ नहीं फ्रेंड्स, पर डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा उसका आंख में वो जो नहीं, अभी नहीं आएगा। वो क्या निकला है ना, वो क्या है, वो दिखाओ ना जरा। टियर ग्लैंड्स है, वो भी नहीं जाएगा। ये टियर ग्लैंड्स है, देखिए इतना बड़ा। हम रोज मसाज करते है तो भी नहीं जाता है अंदर। तो अभी चलिए ये सब सामान रख देते है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यूनिबिक्स की कोकोनट्स कुकीज है,
ये मैं एक निकालता हूँ ये मतलब हाँ, पूरी न्यूट्रिशन वाली है मतलब कुकीज। हाँ, तो उधर स्वीटुड़ी को देखिए सुगंध आ गई ऐसे ऐसे स्मेल ले रही है अभी थोड़ा तो उसको दो देखिए उसकी स्मेल आती है उसको बिस्किट की। हो गया कुकीज भी हो गया खाना बहुत तो चलिए ये सब रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज गए शाम के 6:30 और देखिए मैं अभी जस्ट आ गई हूँ काम पे से और आज मतलब मैंने सोचा चलिए एक ब्यूटी टिप्स देती हूँ आपको मतलब फेस पैक बना रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन देखिए बहुत टैन हो गई है ये मुझे देख रहे हैं उसे आके पूरा काला काला हो गया। तो मैं कुछ नया पैक बना रही हूँ फेस पैक पैक नहीं फेस पैक पैक तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मतलब ये एकदम नेचुरल प्योर कुछ मिलावट नहीं बराबर ना सब घर के प्रोडक्ट्स मतलब जो मिलावट है वो आप देख ले रहा क्या मिलावट है बाकी केमिकल कुछ नहीं सब घर के ही प्रोडक्ट है बाहर के कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादातर करके ना वो बहुत अच्छा मुझे होम रेमेडी हाँ वो अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे पास तो सारे क्रीम है सारे प्रोडक्ट है मतलब सहनाज से लेके O3 प्लस तक भी मेरे पास प्रोडक्ट है पर मैं वो कभी मेरी स्किन पर बहुत कम ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं कभी भी कुछ लगाती हूँ ना तो मुझे दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी फोड़ी या पिंपल्स आ ही जाते हैं मतलब स्किन में कुछ चलता ही नहीं है मेरी जुआन फ्रेंड्स जुआन। तो इसलिए चलिए अभी फेस पैक बनाते हैं नया तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में तो चलिए चलते हैं किचन में। तो अपना किचन कौन सा लंबा है यहाँ से खड़े हुए कि वहाँ पे किचन आ गया चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स हम लोग किचन में आ गए हैं और किचन में सबसे पहले ले लेना है एक बढ़िया वाला तवा। तवा तो ऐसे उठा रहे हो जैसे किसी के सर में मारना है या मेरे सर में तो चलिए यहाँ पे तवा रख दिया है और उसके ऊपर डाल देना है हल्दी पाउडर। जल जाएगा मैडम। हाँ तो जलाना ही है बोलो ये सब नया नया उधामा। तो फ्रेंड्स देखिए हल्दी को जितना पैक बनाना है फेस पैक उतना आप हल्दी ले लेना ये फिर पानी भी ले लेना और बर्फ भी ले लेना क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं आप देखते साथ में चकना फ्री। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए हल्दी को थोड़ी सी भून लेना है हाँ, मतलब थोड़ा कलर चेंज करना थोड़ा डार्क कलर कर देना है उसको सेक के। ये होम रेमेडी हमारी मैडम बोल बना रही है और सब क्लाइंट को भी अच्छी लगी मुझे क्या बोलते हैं लाइव कमेंट्री मुझे देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सब नया मतलब मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यूज किया है फेस टैनिंग के लिए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो चलिए मैंने सोचा सबके लिए करती हूँ तो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे अपनी आज मुझे हो गई है टाइम मिला हमारी मैडम बहुत बिजी है भाई। तो चलिए बस हो गया इतना ही कलर चाहिए तो ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया है फ्रेंड्स तो अभी गैस कर लेते हैं बंद और थोड़ा ठंडा होने के लिए यहाँ पे देखिए आप। तो फ्रेंड्स ये पैक मतलब फेस पैक आप वीक में 3 बार लगाए और आप भी खिले मेरे जैसे गोरे हो जाइए इनके जैसे गोरे हो जाए मेरे जैसे नहीं क्योंकि मेरी स्किन डार्क है इनकी स्किन फेयर है नेचुरल फेयर है। वाह मतलब आपकी भी फेरी है पर आप क्या है धूप में घूमते हो ना इसलिए मेहनत करती हो अभी आप कैमरे के अंदर घुस मत जाना। तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए हल्दी एकदम ऑलमोस्ट हो गई है ब्राउन कैमरे में नहीं दिख रहा होगा शायद पर ये ब्राउन हो गई है। तो अभी इसमें क्या करेंगे अभी देखते रहो ठंडा होने दो फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हल्दी निकाली जा रही है छोटे से बाउल के अंदर। अरे मैडम सब डाल दीजिए ये चमची से ले रही है पूरा दिन का रात हो जाएगा थोड़ा उंगली खींचिए तवे पे आप ही करो। तो फ्रेंड्स इतनी सी हल्दी का जादू देखिएगा और ये है नेस कैफे हल्दी वाली कैफे कोई भी कैफे ले सकता कॉफी आप बीच बीच में बोलते ना फिर
एक्चुअली फ्रेंड्स मैं ही नेस कैफे बोल दिया, नेस कॉफी, कॉफी डाल दिया है और एक चम्मच दूध और हनी, हनी वहां पे है, ये हनी फॉर माय हनी, ये रही हमारी हनी और उसके लिए छोटी बोतल हनी, तो एक चम्मच डालना है, तो बोतल उड़ील दी पूरी अंदर, अबे वो एक चम्मच नहीं है डालो और नहीं बस दूध डालेंगे हम लोग, एक चम्मच मतलब एक टीस्पून, टेबलस्पून नहीं है ये, टीस्पून हनी है। तो देखिए फ्रेंड्स एक चम्मच दूध, और कुछ डालना है मैडम? नहीं बस हो गया, अभी हाथों की मदद से इसे मिलाया, अच्छी तरह से मिक्स किया है हाथों की तरफ से, देखिए आहा सुगंध तो मुझे सब मिक्स मिक्स आ रही है। तो चलिए अभी हल्दी कॉफी फेस के ऊपर लगा लेते, अप्लाई करते हैं। तो कहाँ जा रहे हो मैडम? अरे मुझे आईना की तरफ। हाँ। तो यहाँ पे लाइट चालू हो गई है और आप देख सकते हैं, मैं मेरा फेस नहीं दिखाऊंगा, मैं रिवील नहीं करूंगा मेरा फेस, मेरी बेबी का फेस देखिए आप। हाँ मतलब आप गोरे हो इसलिए? नहीं ऐसा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारे फेस के मतलब फुल फेस के ऊपर ये लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा जो पैक है वो हमारी मैडम देखिए फेस पे लगा रही है। ऊपर मैंने लगा लिया है, अभी 5 मिनट ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। मतलब सूखने के लिए 5 मिनट, ऐसा कुछ बोलिए ना, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट, सुखाना नहीं है एकदम, एकदम ड्राई नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट तक, मतलब ये अप्लाई करके 5 मिनट तक रखना है। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए है और मैं अच्छी तरह से देखिए, अगर दोनों हाथ से मसाज करना है तो दोनों हाथ से, एक हाथ से करना है एक हाथ से, पर दोनों हाथ से आप धीरे धीरे इसे राउंड राउंड करके मसाज कर सकते हो, और हाथ में थोड़ा सा पानी लेना है तो ले सकते हो, ये तो ऐसे भी हो जाता है मसाज। देखिए आँखों के ऊपर भी बराबर कीजिएगा, एक दो मिनट ऐसे मसाज करना है, इसमें स्क्रब का भी आप को ऐसे लगेगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्क्रब जैसे भी इफेक्ट आता है और क्रीम जैसे भी आता है। तो चलिए अभी मेरी मसाज हो गई है फेस की, अभी मैं वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फेस एकदम क्लीन वॉश मैंने कर लिया है, थोड़ा सा भी यहाँ पे रह गया है क्योंकि यहाँ पे मेरे ड्राई स्किन बहुत थी, इसलिए देखिए ड्राई स्किन भी निकलती है धीरे धीरे। मैंने सिर्फ अभी पानी से वॉश किया है, फेस वॉश मैं थोड़ी देर में करती हूँ, 5 मिनट ऐसे रहने देती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी, मतलब फेस वॉश है। देखें कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, मतलब फेस वॉश से फेस वॉश गया है, मेरे पास प्योर्स वाला फेस वॉश है तो क्लीन हो गया है। आपके पास जो भी फेस वॉश हो वो करना है तो कीजिए, नहीं तो कल सुबह मतलब एक दिन ऐसे रहने देना है, कल सुबह भी आप कर सकते हो, और कभी भी आप फेशियल करते हो ना तो फेशियल करते हो वो दिन आपको फेस वॉश या साबुन फेस के ऊपर नहीं लगाना है, दूसरे दिन आपको करना रहता है, तो वो भी आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और यहाँ पे मेरे थोड़े से ब्लैक हेड्स भी थे वो भी अच्छी तरह से निकल चुके हैं, साइड की डेड स्किन भी अच्छी तरह से निकल चुकी है,
और थोड़ा सा तो ग्लो आ ही गया है, थोड़ा नहीं है, ज्यादा ग्लो है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग वीक में 3-4 बार करते हो ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि मैं ऑर्डर पे जाती हूँ, फिर घर का भी काम करती हूँ, फिर कंटाल जाती हूँ कि क्या अभी ये मेरे लिए मैं लेके बैठूँ, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। नहीं तो ये सब करूँ ना, तो ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है, घर के प्रोडक्ट है, इससे ज़रूर से इफ़ेक्ट होता है। और मेरे पास अलग अलग बहुत सारे टिप्स हैं फेस पैक और क्रीम वगैरह, तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी मेरे धीरे धीरे, मतलब मैं मेरे व्लॉग में वो धीरे धीरे वो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और मैं कौन सी फेशियल किट यूज़ करती हूँ क्लाइंट के लिए, वो भी मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊँगी कि ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट क्या यूज़ करते हैं। कभी कभी मैं आपको वैक्स भी दिखाऊंगी, जैसे टाइम मिलेगा ऐसे मैं ब्यूटी भी अभी ब्यूटी टिप्स भी स्टार्ट करूंगी व्लॉग में। तो पहले के भी मेरे एक दो व्लॉग हो गए ये सब फेस पैक और हैंड और लेग्स की टैनिंग निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे इतना ही रखती हूँ। अगर आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए आए हैं वो भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, देखिए पीछे पीछे चलते चलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ग्लो बहुत ही बढ़िया आया है, ब्यूटी टिप्स भी डालेंगी, तो जो नए है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने है वो लाइक शेयर कीजिए और हमें थोड़ा आगे बढ़ाइए। बस अभी फ्रेंड्स 250 ही बाकी है 101K होने के लिए, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमें 1K तक पहुंचाइए। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय।